गुड मॉर्निंग बच्चों, कर्णिका संस्कृत व्याकरण तथा रचना क्लास 7। आज हम इस बुक में धातु रूप प्रकरण पढ़ेंगे। जिन शब्दों से कार्य का होना या पाया जाता है उसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, और इसी क्रिया को हम संस्कृत में धातु के नाम से जानते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, चलना आदि। और अगर संस्कृत में ये क्रियाएँ भूख, गम, स्थाहस आदि नामों से पुकारी जाती है। जिन कार्यों से कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, उसके मूल धातु को, मूल रूप को धातु कहा जाता है। भू, गम, स्थाहस आदि क्रियावाचक शब्दों को धातु कहा जाता है, जिनमें प्रत्यय का योग होने से ही ये वाक्य प्रयुक्त होते हैं। परस्मै पद, आत्मनेय पद तथा उभय पद संस्कृत की सभी क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया। ये क्रिया के रूप है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। संस्कृत में इनको धातु के रूप के नाम से जाना जाता है, तो ये तीनों धातु के रूप कहे जाते हैं, जैसे परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु, उभयपदी धातु। इस स्तर पर छात्रों के लिए सिर्फ परस्मैपदी धातु के रूप दिए हुए हैं। पुरुष, किसी भी क्रिया का होने हम तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में ही करते हैं। प्रथम वचन, मध्यम वचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तथा वचन कौन से होते हैं? एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। स्मरण रखना चाहिए कि हम हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं, वही संस्कृत का प्रथम पुरुष है। जैसे कि प्रथम पुरुष, तो एकवचन में हम उसको क्या लिखेंगे? सह या सा, तो वह क्या कहलाता है? वह। द्विवचन में ताऊ या ते, तो वह क्या कहलाता है? वे दोनों। बहुवचन में ते ताह यानी वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, युयो यानी तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, ये सभी धातु के रूप कहलाते हैं। सभी धातुओं की रूपानी इन्हीं 3 पुरुषों के तीनों वचनों में लिखी जाती है। परस्मै पद के प्रत्यय, लकारों के अनुसार प्रत्ययों का स्वरूप। तो देखिए बच्चों, धातु में जो ये लकार होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल, लिट लकार यानी भविष्य काल, लोट लकार आज्ञा काल, लंग लकार भूतकाल, विधिलि लकार चाहिए के अर्थ में इसका निवेदन किया जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है लट लकार, यानी ये वर्तमान काल कहलाता है। ता है, ते है, ते हो, ता हो या ता हो। तो देखिए, प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति, मध्यम पुरुष में शी, तह, थ, उत्तम पुरुष में आ, मी, आ, वह या आ, मह। तो इसी के रूप में धातु, ये शब्द जुड़ के प्लस धातु साथ में जुड़ती है तो ये लकार बन जाते हैं। अब लंग लकार, था, थी, थे। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। यह इसमें आगे आगाम में अस अ लगता है, जैसे अ कोई भी धातु रूप हो तो उसके आगे हम अ लगाते हैं। फिर त, अ ताम, अ न, अह, अ तम, त, अ म, अ आव, अ मा। लंग लकार में धातु से पूर्व अ का आगमन होता है। फिर आता है लिट लकार, गा, गी, गे, गे। इसमें ये लिट लकार भविष्य काल होता है, तो उसके लिए श्येति, श्यतः, श्यन्ति, श्येषी, श्यतः, श्यत, श्यामी, श्याव, श्यामः। और लोट लकार आज्ञा काल, आज्ञा देने के अर्थ में, तू, आम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, सलाह देने के लिए, एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। गम धातु यानी जाना, लट लकार को हम किस प्रकार से फिर इन धातु के रूपों का प्रयोग करेंगे? गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः, ये वर्तमान काल के रूप हुए। फिर लंग लकार के अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छव, अगच्छाम, ये हुए भूतकाल के रूप जानने के लिए। फिर लिट लकार भविष्य काल के रूप, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्यामः, ये लिट लकार के रूप हुए। उसी प्रकार से लोट लकार आज्ञार्थ काल के, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठामा। और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में,
पठेत पठेताम पठेयुः पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। उसी प्रकार से बच्चों देखिए भूक धातु यानी होना, तो इस क्रिया के लिए हम किस प्रकार से धातु लकारों का प्रयोग करेंगे, भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवत भवामि भवावः भवामः। लंग लकार के लिए भूतकाल अभवत अभवताम अभवन अभव अभवतम अभवत अभवम अभवा अभवम। और लिट लकार भविष्यकाल के लिए भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यत भविष्यत भविष्यामि भविष्याम भविष्यामः। फिर देखिए बच्चों लोट लकार आज्ञार्थकाल के लिए पठतु भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। इसी प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है। भवेत भवेताम भवेयुः भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम। ये विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। अब आता है तीसरा नंबर पर पा यानी पीना धातु रूप। पिबति पिबतः पिबन्ति पिबसि पिबतः पिबत पिबामि पिबाव पिबामः। और लंग लकार अपिबत अपिबताम अपिबन अपिबह अपिबतम अपिबत अपिबम अपिबाव अपिबाम। और लिट लकार पाश्यति पाश्यतः पाश्यन्ति पाश्यसि पाश्यतः पाश्यत पाश्यामि पाश्याव पाश्यामः। उसी प्रकार से लोट लकार आज्ञा के काल में पिबतु पिबताम पिबन्तु पिब पिबतम पिबत पिबामि पिबाव पिबामः। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में पिबेत पिबेताम पिबेयुः। गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णिका संस्कृत व्याकरण तथा रचना। इस बुक में हम धातु रूप प्रकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने समझा कि धातु पांच प्रकार के होते हैं, लट लकार लोट लकार लंग लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार के लिए वर्तमान काल, लिट लकार के लिए भविष्य काल, लोट लकार यानी आज्ञा काल, लंग लकार यानी भूतकाल, विधिलिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात हमने पढ़ा कि संस्कृत में धातु को तीन भागों में बांटा गया है, परस्मैपद धातु, आत्मनेपद धातु और उभयपद धातु। तो हमने पिब धातु तक इनके उच्चारण किए थे, आज हम करते हैं स्था यानी तिष्ठ धातु यानी ठहरना या बैठना। लट लकार में देखिए तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठत मध्यम पुरुष, तिष्ठामि तिष्ठाव तिष्ठामः उत्तम पुरुष। लंग लकार यानी भूतकाल में अतिष्ठत अतिष्ठाम अतिष्ठन अतिष्ठ अतिष्ठम अतिष्ठत अतिष्ठम अतिष्ठाव अतिष्ठम। लिट लकार में भविष्यकाल में हम किस प्रकार से उच्चारण करेंगे, स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति स्थास्यसि स्थास्यतः स्थास्यत स्थास्यामि स्थास्याव स्थास्यामः। यानी वो भविष्य में बैठेगा। किसी वाक्य का उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। लोट लकार आज्ञार्थ काल में पठतु तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठामः। विधिलिंग लकार तिष्ठेत तिष्ठताम तिष्ठेयुः तिष्ठे तिष्ठतम तिष्ठेत तिष्ठेयम् तिष्ठेव तिष्ठेम। नमस्कार में नम धातु। लिट लकार में नमति नमतः नमन्ति नमसि नमतः नमत नमामि नमाव नमामः। लंग लकार में अनमत अनमताम अनमन अनमम अनमतम अनमत अनम अनममाम अनमाम। और लिट लकार में नश्यति नश्यतः नश्यन्ति नश्यसि नश्यतः नश्यत नश्यामि नश्याव नश्यामः। लोट लकार में नमतु नमताम नमन्तु नम नमतम नमत नमानि नमाव नमामः। उसी प्रकार से विधिलिंग लकार में नमेत नमित नमेताम नमेयुः नमे नमेतम नमेत नमेयम नमेव नमेम। दा यानी यच यानी देना, यच्छति यच्छतः यच्छन्ति यच्छसि यच्छतः यच्छत यच्छामि यच्छाव यच्छामः। लंग लकार अयच्छत अयच्छताम अयच्छन अयच्छ अयच्छतम अयच्छत अयच्छम अयच्छाव अयच्छाम। फिर आता है लिट लकार दास्यति दास्यतः दास्यन्ति दास्यसि दास्यतः दास्यत दास्यामि दास्याव दास्यामः। फिर आता है लोट लकार यच्छतु यच्छताम यच्छन्तु यच्छ यच्छतम यच्छत यच्छानि यच्छाव यच्छामः।
तो इन रूपों का हम उच्चारण इस प्रकार से करते हैं। फिर आता है विधि लकार चाहिए के अर्थ में, यछेत यछेताम यछेयुः यछे यछेतम यछेत यछेम यछेव यछेम। फिर आता है श्रु धातु यानी सुनना, लट लका यानी वर्तमान काल में, शृणोति शृणुतः शृणन्ति शृणोषि शृणुतः शृणत शृणोमि शृणव शृणमः। लिंग लकार में यानी भूतकाल में, अशृणोत अशृणताम अशृणव अशृणोः यशृणतम अशृणत अशृणवम अशृणवु अशृणुम। फिर लिट लकार में श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति श्रोष्यसि श्रोष्यतः श्रोष्यत श्रोष्यामि श्रोष्याव श्रोष्यामः। फिर लोट लकार में शृणोतु शृणुताम शृणन्तु शृणु शृणुतम शृणुत शृणानि शृणाव शृणाम्व। फिर आता है बच्चों शृणुयात शृणुताम शृणुयु शृणुयः शृणुताम शृणुयात शृणुयाम शृणुयाव शृणुयाम। ये विधिलिंग लकार के धातु रूप हुए। तो इस प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है।